अगले दो बल्लों पे मॉडिफाई होगा। अच्छा मॉडिफाई होगा, जैसे आपने पिछली अपनी मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी बनाई थी, ये भी वैसी बनाने का इरादा है? नहीं, यो ऐसे तो बनाने का इरादा नहीं है, वैसे सिर्फ इसके हैंडल है ना जो, हाँ वो मॉडिफाई होंगे बस अभी अभी दो बल्लों पे। ये गाड़ी वाले के जितनी ख्वाहिश है मैं इनको मॉडिफाई करूँ। तो जलाल भाई आप मॉडिफाई करते हैं, इतने दिल से गाड़ी बेच क्यों देते हैं फिर? यार मेरा शौक है। अच्छा बनाकर सेल कर देना। हाँ मेरा शौक है, ज्यादातर मैं आईएस बनाता हूँ, वायरुप तो उस बंदे का बनाता हूँ जो शौकिया होता है। अच्छा खास तौर पे आपकी तवज्जो जो है वो हाईरूप में ज्यादा लगती है? हाँ जी हाँ, पहले थी टोयोटा पे, अब हाईरूप पे ज्यादातर हो गई है मेरी। और वैसे आपने अपने हाथ से हाईएस भी बहुत सारी जो बनाई है वो भी बहुत बेहतरीन बनाई है ये। मेरा काम है हाईरूप और आईएस, ज्यादातर आईएस सही है। हाँ जी जलाल भाई, जलाल भाई ये जो आप पॉलीगेट भर रहे हैं, ये मुझे बताएं कि इसमें व्हाइट कलर में भी पॉलीगेट लगाते हैं और ये ब्राउन में भी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ जाता है लाइनिंग क्लियर हो जाती है, लकीरें छूट जाती हैं। और व्हाइट से क्या समझे? और व्हाइट से ये छोटे मोटे फोर हो जाते हैं। अच्छा हाँ, जो छोटे मोटे डेंट होते हैं ना, हाँ उससे जो पॉलीगेट से ये के वो कवर हो जाते हैं, इससे वो पॉलीगेट की लकीरें कवर हो जाती हैं, क्या समझे, इससे फिनिशिंग आ जाती है। अच्छा व्हाइट वाले यानी कि क्वालिटी में बेहतर नहीं है इससे? बेहतर तो दोनों है यार। अच्छा इससे क्लियर हो जाती है धारें वारे जो भी हैं? हर चीज क्लियर आपको बता देती है, अगर 19-20 भी होगा ना तो भी क्लियर कर देंगे हम, मसला नहीं। हमारा था ना क्लियर करके देना गाड़ी वाले को, मतमन करके देना। जलाल भाई इस पे गाड़ी कोई हिट करे तो फटती नहीं है ये? हाँ जलाल भाई जी, इस पे कोई गाड़ी हिट करे तो फटती नहीं है ये पॉलिश? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, ये ड्रोन के ऊपर है ना, जब ड्रोन हम उसी तरीके से नीचे बिल्कुल सफाई से बनाएंगे ना बिल्कुल, तो कभी भी नहीं पड़ती है गाड़ी की ड्रोन। अच्छा और अगर फट जाए तो? नहीं पड़ेगी, गारंटी है इस बात? हाँ हाँ बिल्कुल गारंटी है। मैम जरा नीचे का तेल सही साफ होना चाहिए आपका। अच्छा गाड़ी को पहले पॉलीगेट लगाने से पहले क्या करते हैं आप? सही मानो मैं समझो तो सफाई करनी पड़ती है, रेगमाल मारनी पड़ती है बिल्कुल। ये आप देख रहे चादर को देख रहे हो कैसे कैसे लेटन क्लीन हो रही है, देख रहे हैं आप? सही, इस तरीके से होगा ना तो आप एक भी करोगे ना दगे क्लीन होगा। सही होगा जलाल भाई, यानी कि एक दिन जो है आप गाड़ी की पहले सफाई करने पे लगा देते हैं, सही से इसको धुलाई रेगमाल कर देते हैं, उसके बाद फिर आप इसको पॉलीगेट की तरफ आते हैं ये, और बिना सफाई के अगर पॉलीगेट भर दिया जाए तो वो फटने का खतरा होता है। बस ये चीज है, अभी आप नाने के लिए भी जाओगे ना, आप साबुन भी लगाओगे ना, सही तो बेकार है आपका नाना, पानी गिराना बेकार है। ये तो बात आपकी जलाल, मेरा मकसद ये है पूरी गाड़ी को जो आप इसमें हल्की फुल्की पॉलीगेट करेंगे, ये कितने वक्त में ये तैयार हो जाएगी? अभी कम से कम भी 8 से 10 दिन लगेंगे। अच्छा अभी इसका अगला मराहिल क्या होगा? अगला मराहिल इसका ये होगा, अभी अभी इसकी भराई के बाद ना मंजाई करके ना इसको कोट डाल देंगे हम। अच्छा कोट डाल के ना फिर गोले डाले ये हो आगे पीछे फिर सेकंड वेकंड करके इसको फिर फाइनल रंग डाल देंगे। 8 से 10 दिन लग जाएगा? जी हाँ। ये जो आप हल्की पॉलीगेट भर रहे हैं इसको कितना टाइम लगेगा? इसको बस अभी 1 से 2 घंटे पूरी फुल फिनिशिंग हो जाएगी गाड़ी। हाँ डेंटिंग से बिल्कुल क्लियर है गाड़ी हर जगह से? हाँ जलाल भाई अभी अगले दो पल्ले बाकी हैं। अच्छा अगले दो पल्लों पे मॉडिफाई होगा? अच्छा मॉडिफाई होगा, जैसे आपने पिछली अपनी मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी बनाई थी ये भी वैसी बनाने का इरादा है? नहीं यो ऐसे तो बनाने का इरादा नहीं है, वैसे सिर्फ इसके हैंडल है ना जो, हाँ वो मॉडिफाई होंगे बस अभी अभी दो पल्लों पे। ये गाड़ी वाले के जितनी ख्वाहिश है मैं इनको मॉडिफाई करूँ। तो जलाल भाई आप मॉडिफाई करते हैं, इतने दिल से गाड़ी बेच क्यों देते हैं फिर? यार मेरा शौक है। अच्छा बनाकर सेल कर देना? हाँ मेरा शौक है ये, मैं शौकीन गाड़ी बनाता हूँ क्या समझे। अच्छा खास तौर पे आपकी तवज्जो जो है वो हाईरूफ में ज्यादा लगती है? हाँ जी हाँ, पहले थी टोयोटा पे, अब हाईरूफ पे ज्यादातर हो गई है मेरी। और वैसे आपने अपने हाथ से हाईएस भी बहुत सारी जो बनाई है वो भी बहुत बेहतरीन बनाई है ये। मेरा काम है हाईरूफ और आईएस, ज्यादातर आईएस सही है।
कोई नागन से आ जाता है, कोई डोमिल चुनरी से आ जाता है, अच्छा कोई चू मार्केट से आ जाता है, लियारी से भी कई लोग आते होंगे आपके पास से आ जाता है। ज्यादातर मैं आईएस बनाता हूँ, वायरुप तो उस बंदे का बनाता हूँ जो शौकिया होता है। तो जो भी मॉडिफिकेशन का सामान है वो आप लगाते हैं उसके बाद पैसे लेते हैं या वो बंदा आपको लाके देता है? कोई बंदा है वो बोलता है वो टेंडर से उसको करवा के भी दे देंगे, वरना तो वो ला के देता है वो लगवा के भी दे देंगे, टेंडर से मसला नहीं है। अच्छा बंदा यानी कि अगर कोई ऐसी तस्वीर लेकर आए मॉडिफिकेशन की तो वो आप गाड़ी तैयार करके दे देते हैं उसको? हाँ करके दे देंगे उसको, जो डिजाइन बोल रहे हो वही डिजाइन का बना के दे। पर उसमें फिर जो भी पैसे शौकिया वाले लोग होंगे उसके पैसे पर खर्च करने पड़ेंगे उसको? शौक तो अनमोल चीज होता है ना, आपको पता है शौकिया चीज के लिए फिर क्या से क्या करना पड़ता है, तो पैसे भी उसमें वैसे ही लगते हैं शौकिया चीज पे। क्या करना, चीज तो बन जाएगी अल्लाह के हमसे, कोई पहचाने का भी नहीं उसको। जलाल भाई आप यहाँ पे चांदनी चौक पे जो गाड़ियाँ तैयार करते हैं सुबह से शाम तक, हाँ यही काम है आपका फुल टाइम जलाल भाई? हाँ, और आप यहीं पर मौजूद होते हैं हर वक्त? बेशक बेशक, मैं तो यहीं पे होता हूँ, मैं तो 24 घंटे यहीं पे होता हूँ। तो जलाल भाई ये जो आप पॉलीगेट की फिनिशिंग करते हैं अपने हाथ से करते हैं या कारीगरों से भी करवाते हैं ये काम? यार ऐसा होता है ना, अकेले अपने हाथ से तो खैर होता भी नहीं है, 10 काम और भी हो जाते हैं। क्या समझा नहीं, अगर कोई पर्सनली आपसे ये कहे कि आप उसकी गाड़ी को फिनिशिंग भी करें तो आप उसको क्या जवाब देंगे फिर? नहीं वो तो मैं खुद से कर लेता हूँ, बाकी सही मानो मैं फिनिशिंग गाड़ी होगी क्या समझेगा, तो मैं अपने हाथ से करना काम पसंद करना चाहता हूँ। ज्यादातर मैं अपने हाथ से काम पसंद करना चाहता हूँ, बाकी जो कारीगर है वो उसको मंजाई वगैरह सही से कर देते हैं, धुलाई वगैरह सही से कर देते हैं रेगमाल से। बड़ी मेहनत लगती है इसमें रेगमाल से, आपको पता ही मेहनत के ही तो काम है, मेहनत के तो पैसे मिलते हैं। जलाल जी कहने का मकसद है कि एक जगह को रगड़ते रहे बंदे, बंदा काफी देर तक बैठ के उसकी फिनिशिंग निकालने के लिए सिर्फ। आप देख रहे हैं पीस को, देख रहे आप पीस के। जलाल भाई ये गाड़ी कौन से मॉडल की है? कौन सी वाली है भाई? ये जो आप बना रहे हैं अभी, ये 93 मॉडल है। ये अभी बनने के बाद बिल मुकाबिल कौन से मॉडल के मुताबिक आ जाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल 21 के मॉडल के हिसाब से आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ये फुल अंदर बाहर से शावर है पूरी पूरी कंप्लीट? हाँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी अंदर बाहर से मुकम्मल तैयार हो रही है। जलाल भाई ये इसमें मैं आपका व्हाट्सअप नंबर जो ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो जितने भी लोगों को रब्ता करना हो मॉडिफिकेशन के लिए, गाड़ी को अल्ट्रेशन करने के लिए, फुल पेंट करने के लिए, फुल शावर, सही है, तो वो आप जो है उसके मुताबिक डिमांड के मुताबिक काम बना के देंगे उसको। वो गाड़ी लेकर आ जाए चांदनी चौक पे, चांदनी चौक पे हम नहीं मिल जाता, ठीक है? और अगर कोई पिक्चर वगैरह व्हाट्सअप करे तो फिर पिक्चर वगैरह भी व्हाट्सअप भी कर लेगा तो मतलब ये व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं हम, लेकिन गाड़ी दिखाने से ये ना बंदे का सही मानों में जहन बन जाता है, ठीक है? और आप उसको उसके मुताबिक पैसे भी बता देंगे टोटल खर्चा। और जलाल भाई ये बताएं कि कोई बंदा अगर आपको अपनी हाईएस या कोई भी ऐसी कार देता है कि डेंटिंग और पेंटिंग दोनों आप ही करवा के दें तो ये भी सहूलत है आपके पास? हाँ हमारे पास सब कुछ हो रहा है। तो टोटल जो भी उसके, क्योंकि हर बंदे का वक्त बड़ा कीमती है, बंदा अपना वक्त बचाता है, वक्त बचाने के चक्कर में ना टोटल एक जगह पता है यार, मतलब इतने पैसे तय हो गए, डेंट भी हो जाएगा और पेंट भी मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम हो तो जलाल भी कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम हो गाड़ी में तो एक महीने में फुल बन के मिल जाएगी उसको इंशाल्लाह। हमारा काम जबान के ऊपर होता सारा, क्या टाइम दे दे, टाइम टू टाइम दे देते दे हम लोग।
जलाल भाई तकरीबन आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया गाड़ी को बनाते? मैं तो यार ट्रेन से वॉक से बचपन से करते हैं यार। तकरीबन कितनी उम्र होगी? पाँच सात साल पीछे में काम के अंदर। हाँ। कम से कम भी मेरे इस उम्र को काम के अंदर जब से मैं आया हूँ कम से कम भी 13 साल हो गए। अच्छा मेरा साल का मेरा तजुर्बा है अभी तक तो फिलहाल।